पत्नी द्वारा किए गए अपमान ने डुबो दी ज्योतिरादित्य की लुटिया। साल था 2018। एक शख्स भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के पास पहुंचता है, नाम केपी यादव। वो शख्स शाह से कहता है, मैं कांग्रेस का सक्रिय कार्यकर्ता हूं, कांग्रेस में जिला लेवल पर कई पदों पर रहा हूं, लेकिन अब मैं ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहता हूं। चाहे ज्योतिरादित्य ग्वालियर से लड़ें या गुना से, मैं उनसे मुकाबला करूंगा। आप सिर्फ अपना हाथ मेरे सर पर रख दीजिए। अमित शाह चौंक उठे, बोले, आप सिंधिया के खिलाफ लड़ना क्यों चाहते हैं? उस युवक केपी यादव ने उन्हें मोबाइल की एक सेल्फी दिखाई और बोला, सर मैंने 20 साल कांग्रेस को दिए। मैंने ज्योतिरादित्य सिंधिया से एक सेल्फी के लिए रिक्वेस्ट किया, लेकिन उनकी पत्नी प्रियदर्शनी राजे ने मुझे डांट कर भगा दिया और मुझे बेहद अपमानित किया। अमित शाह के अंदर की चाणक्य की बुद्धि जाग गई। उन्हें लगा कि यादव मेरे लिए चंद्रगुप्त साबित होगा। उन्होंने सोचा, ज्योतिरादित्य तो अजय है, चलो प्रतिशोध की आग में जल रहे इस कांग्रेसी युवा पर जुआ खेला जाए। उन्होंने इस केपी यादव के सिर पर हाथ रख दिया। नतीजा ये हुआ कि पिछले 1.5 साल में केपी यादव ने जमकर मेहनत की। इधर ज्योतिरादित्य सिंधिया को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बना दिया गया। वो काफी वक्त यूपी में रहे, तो उनका प्रचार संभाला उनकी पत्नी प्रियदर्शनी राजे सिंधिया ने। चुनावों की घोषणा के बाद जब भाजपा की तरफ से टिकट आया, तो उस पर नाम था कृष्ण पाल सिंह उर्फ डॉक्टर केपी यादव का। वही केपी यादव जो कभी सिंधिया के सांसद प्रतिनिधि होते थे और साल भर पहले ही भाजपा में आए थे। यादव के नाम की घोषणा के बाद प्रियदर्शनी राजे ने अपनी फेसबुक वॉल पर एक तस्वीर शेयर की। तस्वीर में गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, गाड़ी के बाहर सेल्फी ले रहे हैं केपी यादव। तस्वीर के साथ प्रियदर्शनी ने जो लिखा, उसका सार ये था, जो कभी महाराज के साथ सेल्फी लेने की लाइन में रहते थे, उन्हें भाजपा ने अपना प्रत्याशी चुना है। ये एक आत्ममुग्ध पोस्ट थी, लेकिन यादव की एक बार फिर बेइज्जती की गई थी। दंभ ये था कि ज्योतिरादित्य की दादी राजमाता सिंधिया गुना से जीती हुई हैं। ज्योतिरादित्य के पिता माधवराव सिंधिया भी गुना से जीते हुए हैं। 4 बार ज्योतिरादित्य भी स्वयं यहाँ से चुने गए हैं। शायद यही वजह है कि प्रियदर्शनी ने ये पोस्ट करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। इधर सिंधिया यूपी के दौरे पर रहे और जब आखिरी हफ्ते में लौटे तो बहुत देर हो चुकी थी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने वो शिकस्त देखी जैसी दशकों में नहीं मिली थी। भाजपा ने न सिर्फ अपनी पिछली सभी 27 सीटें जीती, बल्कि गुना को भी ज्योतिरादित्य सिंधिया से झटक लिया। इसलिए कहते हैं, अपने नजदीक के लोगों का सदैव ध्यान रखो, व्यवहार को प्रेम पूर्ण रखो। एक कार्यकर्ता का अपमान बड़े से बड़े नेता को धूल में मिला सकता है। महाराजा ज्योतिरादित्य को ये बात अच्छी तरह समझ आ गई होगी। सभी को इससे सबक लेना होगा। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।